हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा जूनियर टीचर एग्जाम 2023 किछ इंपोर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स उपरे। ये होची जीके क्लास नंबर 13। एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। आप माने आउट ऑफ 50 के स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाति भाबे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो रे आम डिस्कशन करिबा लाटेस्ट अगस्ट मासरो लाटेस्ट करंट अफेयर्स, ता सहित किसी स्टैटिक जीके, ता सहित आम हिस्ट्री ज्योग्राफी रो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ता सहित ओडिशा जीके मध्ये आम डिस्कशन करिबा, जहाँ कि आप मानकर जेटी रो सिलेबस रे रही। आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कही रखुच्छे, आज आप न्यूज रे देखिथिबे, आप मानर समाज न्यूज पेपर आसी आम 20,000 शिक्षक नियुक्ति खूब शीघ्र हम आउ डिसेंबर सुधा आपको से नियुक्ति देबे। तो आप मानकर यही मास शेष सुधा नोटिफिकेशन आसवर चांसेस रही। आप मानकर जो एग्जाम हम सीटा सीबीटी मोड रे हम से वर्तमान आम एजेन्सी खोजा चली। एजेन्सी चयन करेंगे कौ एजेन्सी आम जो एग्जाम हम जेटी एग्जाम होटा को ऑनलाइन मोड रे करें। वर्तमान एजेन्सी चयन प्रक्रिया चली, तो आप खूब शीघ्र आसूँ से आप प्रिपेरेसन जोरदार करूँ। आम क्लासेस प्रतिदिन आम नोटिफिकेशन आसला प्रतिदिन 5टा क्लास आम करवा। तो ये आम प्रथम क्वेश्चन सहित वीडियो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच नेशन वाइड कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड इन ऑनर ऑफ द मार्टिर्ड ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द कंट्री। से कहि आम देशर वीर सैनिक मानकर आम देशर वीर शहीद वीर सैनिक मानक श्रद्धाजलि देवाई से सम्मानित करने रिसेंटली सारा देश में क्यों कैंपेन को लॉन्च करा जाएगी, कौ अभियान लॉन्च करा जाएगी। तो ये आम सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेरी माटी मेरा देश, ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन सोन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट। रिसेंटली ओडिशा हाईकोर्ट रो मुख्य न्यायाधीश रूपे बा मुख्य विचारपति रूपे किए शपथ ग्रहण करिसंती। तो रिसेंटली शपथ ग्रहण करिसंती किए, सुभाशिष तलपात्रा, ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे हैज रिसेंटली विजिटेड व्हिच कंट्री। तो आम एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबे, एग्जाम में पचारि पारे मे बी हु इज द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, हु इज द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, इंडिया रो आर्मी चीफ किए अछंती, सेनाध्यक्ष किए अछंती। तो इंडिया रो आर्मी चीफ वर्तमान अछंती किए, जनरल मनोज पांडे, एटा मन रखिबे। आ से रिसेंटली को देश को विजिट करछंती एटा इंपोर्टेंट, आमर आर्मी चीफ हो कि आप मानकर नाभाल चीफ हो कि आमर राष्ट्रपति किंबा आमर प्रधानमंत्री बाहर को जाउछंती, तो सेटा आमर एग्जाम पचारुछि। तो रिसेंटली आमर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे यूके जाइछंती, यूके यूनाइटेड किंगडम जहाँ इंग्लैंड कहउछंती बा ब्रिटेन कहउछंती, से जगह को जाइछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम विल बी लॉन्च बाय व्हिच कंट्री। तो से कहे ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम आमर कौ देश लॉन्च करिबो, एटा को लॉन्च करिबो किए, आम इंडिया लॉन्च करिबो, ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, इन व्हिच स्टेट्स असेंबली ए रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड रिसेंटली अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो से कहे रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड अगेंस्ट रे रिसेंटली क्यों राज्य गोटाए रिजोल्यूशन पास करी। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला आउट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपन केरल वर्तमान ना चेंज होची, केरल राज्य तार ना चेंज करके से कौन करुच्छे ना केरलम करुच्छे, गोटे एम खाली लगोच केरलम, एम लास्ट रे से लगोच केरलम करिबो। एटा इंपोर्टेंट रहबे, एग्जाम में भी पचारि पारे केरल राज्य को राज्यर ना चेंज करके कौन होची ना केरलम होची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बिकम द जॉइंट सेकेंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 100 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। से कहे आम जो T20 रोच 20 ओवरिया जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट होची, से कम मैच रे बा कम इनिंग्स रे 100टा सिक्स मारिबारे सेकेंड नंबर बैट्समैन, हाईएस्ट सेकेंड बैट्समैन किए बनला से पचारि। तो ये मुझे रखुच्छे करेक्ट आंसर होची सूर्य कुमार यादव। तो प्रथमे रेकर्ड थिला कार ना वेस्ट इंडीज ओपनर बैट्समैन एविन लुइस से 48 इनिंग्स 48टा इनिंग्स रे से 100टा सिक्स मारी थिले, से नंबर वन थिले। तापर सेकंड पोजिशन थिले वेस्ट इंडीज क्रिस गेल, आप समस्त जानते क्रिस गेल से 49 इनिंग्स रे 49 इनिंग्स रे से 100टा सिक्स मारी थिले। वर्तमान सूर्यकुमार यादव मध्य 49 इनिंग्स रे 100टा सिक्स मारी T20। तो जॉइंटली सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन किए बनले, सूर्यकुमार यादव एंड क्रिस गेल।
तो एग्जाम इंपोर्टेंट रहेगा। सूर्य कुमार यादव वर्तमान अणचाश इनिश रे शहेटा सिक्स मारिकी सेकेंड फास्टेस्ट बैट्समैन बनी टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला। रिसेंटली टेस्ला कंपनी रो नुआ सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रूपे क्यों भारतीय वंशोद्भव अमेरिका रे रहुची से अमेरिका जन्मित भारतीय वंशोद्भव को नियुक्ति करागला माने टेस्ला रो सीएफओ किए नियुक्ति हेले टेस्ला रो सीएफओ नियुक्ति हेजंती किए वैभव तनेजा। वैभव तनेजा ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु विल लीड द इंडियन टीम इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। आमर अपकमिंग वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंडियन टीम रो इंडियन एथलेट टीम रो लीड किए कर तो तार प्रतिनिधित्व करछंती नीरज चोप्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पेयर ओन गोल्ड मेडल इन SL3 SL4 कैटेगरी इन पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो से कोची पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 रे SL3 SL4 कैटेगरी रे को जोड़ी गोल्ड मेडल जीति स्वर्ण पदक हासिल करछंती तो करेक्ट आंसर होची आप मानकर प्रमोद भगत एंड सुकांत कदम। प्रमोद भगत आप जानते सी आम ओडिशा रो से इंपोर्टेंट रहिबो प्रमोद भगत एंड सुकांत कदम। एग्जाम एमती भी क्वेश्चन आसपे जे पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 SL3 SL4 कैटेगरी रे सुकांत कदम गोल्ड मेडल जीति सहित आउ किए खेली पचारिबो से प्रमोद भगत ऑप्शन थी तो प्रमोद भगत को आपने टिक मारे एमती भी क्वेश्चन को मोडिफाई करके पचारि पारती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री विल होस्ट द 10-day मालाबार एक्सरसाइज दिस ईयर। से कहते यही वर्ष 10 दिन धरी गोटे मालाबार एक्सरसाइज आम कंडक्ट हे तो यहाँ कौ कंट्री होस्ट करुटा होस्ट करे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करुच्छे तो मालाबार एक्सरसाइज तो प्रथम आम 1998 स्टार्टिंग होता से इंडिया आउ अमेरिका करुले जापान मिसला तापर ऑस्ट्रेलिया मिसला तो यह चारिटा आमर कंट्री एथिरे भाग नौछंती मालाबार एक्सरसाइज रे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड अमेरिका तो यहाँ कौटी होस्ट हे ना ऑस्ट्रेलिया रे वर्तमान आयोजित हे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हाउ मच रुपीज फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन विलेज अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट अंडर रे आमर केन्द्रीय कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव करछि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विलेज गुड़ाक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आमर जो वाईफाई जो रोचे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जगैबा पई गांव गुड़ाक केते टंका अप्रूव करछंती तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.3 लाख करोर। नेक्स्ट रही हु हैज बिकम द सेकेंड यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर ए 50 इन T20 क्रिकेट। तो से कहते T20 इंटरनेशनल रे सबुठ कम बयसर यंगेस्ट इंडियन बैट्समैन किए कि T20 से 50 मारी सेकेंड यंगेस्ट पचार फास्ट होती किए आम फास्ट होती रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से 20 वर्ष 143 दिन समथिंग रे बयस रे से 50 मारी T20 50 मारी वर्तमान सेकेंड यंगेस्ट बनले तिलक वर्मा वेस्ट इंडीज विरुद्ध से 51 रन करिकी से सेकेंड यंगेस्ट बैट्समैन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट और यूटी हैज बीन गिवन GI टैग टू राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट पाई रिसेंटली क्यों राज्य बा केन्द्रशासित अंचल को GI टैग मिली। GI टैग माने जोग्राफिकल इंडिकेशन बा भौगोलिक संकेत तो जम्मू काश्मीर को दिया जाए। GI टैग कहाँ मिली जम्मू काश्मीर राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेट रेजिलिएंस इंडेक्स। तो इंटरनेट रेजिलिएंस इंडेक्स 2023 रे इंडिया रैंक पचारी केते इंडिया रैंक होची 6th पोजीशन 6 नंबर इंडिया रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। तो रिसेंटली कौ बैंक द्वारा इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को लॉन्च करा जाएगी तो करेक्ट आंसर होची एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी फॉर द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय मणिपुर वायलेंस।
तो एग्जाम पे इम्पोर्टेन्ट रहिबो काहेकि ना ए क्वेश्चन वर्तमान मणिपुर विषय रे वर्तमान ताजा रहिछि मणिपुर जो हिंसाकांड होइछि तो से कहुछि जे सुप्रीम कोर्ट कहार चेयरमैनशिप अंडर रे गोटे कमिटी गठन करछि जहाँकि मणिपुर जो वायलेंस होइछि जो हिंसा चलीछि सेथिरे जो मान अफेक्ट होउछन्ती जो मान से मानको रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पई से लोक मानको रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पई गोटे कमिटी गठन करा जायछि तो सेटा रो चेयरमैनशिप किए अछन्ती से जो कमिटी रहिछि से कमिटी रो चेयरमैन किए बनिछन्ती करेक्ट आंसर होची गीता मित्तल एही कमिटी रो चेयरमैनशिप अछन्ती बा से लीड करउछन्ती। नेक्स्ट रहिछि द जस्टिस जी रोहिणी कमिशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हाट इज द फोकस ऑफ द कमिशन्स रिपोर्ट। एग्जाम पर इम्पोर्टेन्ट रहिब ए क्वेश्चन मध्ये इम्पोर्टेन्ट रहिब ए भला क्वेश्चन हमर एग्जाम रे आसुची से कहुछि जे हमर जस्टिस जी रोहिणी कमिशन रिसेंटली सबमिट करछि प्रेसिडेंट पाखरे गोटे रिपोर्ट सबमिट करछि तो ए जो कमिशन जी रोहिणी कमिशन रो रिपोर्ट रो फोकस कोन का पर फोकस करछि एटा हमर का पर फोकस करछि ना सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी ग्रुप रो सब कैटेगराइजेशन करिया पई तार लक्ष्य तार फोकस होछि या पर ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर सब कैटेगरी करबो ओबीसी ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर वाज द कॉन्फ्रेंस ऑन एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। से कहुची आमर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द्वारा कौ जगार आमर एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस आमर उद्घाटन करागला से पचारिछि तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी ओरोविले। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच बैंक हैज कोलाबोरेटेड विथ ओडिशा गवर्नमेंट फॉर पेमेंट सॉल्यूशन फॉर टूरिस्ट डिपार्टमेंट। एटा ओडिशा करंट अफेयर्स रे जाउछि तो से कहुछि रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ओडिशा रो जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली को बैंक सहित कोलाबोरेट करकि पेमेंट सॉल्यूशन गोटे बाहर करिछि तो करेक्ट आंसर होची बंधन बैंक सहित मिसिकी से गोटे POS सिस्टम को लॉन्च करी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ओन द सिल्वर मेडल इन द मेन्स सिंगल्स फाइनल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। से कहे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को इंडियन बैडमिंटन प्लेयर सिल्वर मेडल मेन्स सिंगल्स जीति तो करेक्ट आंसर होची एच एस प्रणय। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल टाइटल इन द वर्ल्ड आर्चेरी चंपिशिप। से कहे वर्ल्ड आर्चेरी चंपिशिप प्रथम इंडियन किए जी कि इंडिविजुअल टाइटल जीति एग्जाम पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो करेक्ट आंसर होची आदिति स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द मेन सिंगल टाइटल इन बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो 2023 बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन रो मेन्स सिंगल टाइटल विनर किए से पचारि तो सी हो चाइनार वेंग होंग यांग ये क्या परास्त कले आमर जो इंडिया HS प्रणय को परास्त कले से ये गोल्ड मेडल जीति आम इंडिया किए सिल्वर मेडल जीति HS प्रणय तो एग्जाम पर इम्पोर्टेन्ट र। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड गृहलक्ष्मी योजना 2023। तो गृहलक्ष्मी योजना 2023 को कौ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करी कौ राज्य सरकार लॉन्च करी एटा को लॉन्च करी किए तेलंगाना लॉन्च करी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई हु डिस्कवर्ड द रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर LK99। तो रिसेंटली किए रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर LK99 को डिस्कवर करी तो ये करेक्ट आंसर होगी साउथ कोरिया डिस्कवर करी साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री इज परचेजिंग इंडियन ड्रोनियर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय हाल फ्रॉम इंडिया। तो से कहे जे आमर इंडिया रे हाल अच्छे हाल फुल फॉर्म होची हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर अच्छी से आम इंडियन ड्रोनियर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होची तो से इंडियन ड्रोनियर एयरक्राफ्ट टू किए किणव क्यों देश किणवाक वर्तमान प्लानिंग करेक्ट आंसर होची गुयाना
କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ଅପସନ୍ ବି ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗୁଏନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସ୍ୟାଡେଲ୍ ପିକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିକେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଗତି କରିବା। ତ ସେଡ଼େଲ୍ ପିକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ସେଡ଼େଲ୍ ପିକ୍ କେଉଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ସେଡ଼େଲ୍ ପିକ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଅଛି, ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେଲ୍ଟା ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ରିଭର୍। ତ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଆମର କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅଛି ସେ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅଛି। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଆମର ରହିଛି ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅଛି। ତ ମହାନଦୀ ରିଭର୍ ଡେଲ୍ଟାରେ ଆମର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଓନ୍ ଦ IBSF ୱାର୍ଲଡ ବିଲିୟର୍ଡ଼ସ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 2022 ଟାଇଟଲ୍। ତ 2022 IBSF ୱାର୍ଲଡ ବିଲିୟର୍ଡ଼ସ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ କିଏ ଜିତିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପଙ୍କଜ ଆଡ଼ଭାନୀ, ପଙ୍କଜ ଆଡ଼ଭାନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ 15th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେ କହୁଛି 15ତମ ବିତ୍ତ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏନ୍ କେ ସିଂ, ନନ୍ଦ କିଶୋର ସିଂ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ? ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବାବର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବାବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ବୁକ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଟର୍ନ ବାଇ ବିକ୍ରମ ସେଟ୍। ତ ବିକ୍ରମ ସେଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି? ବିକ୍ରମ ସେଟ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ନା ଏ ସୁଟେବଲ୍ ବଏ ବୁକ୍ ୱାଜ୍ ରିଟର୍ନ ବାଇ ବିକ୍ରମ ସେଟ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ସ୍ପିକର୍ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ସେ କହୁଛି ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ମୀରା କୁମାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦ ଟଲେଷ୍ଟ ପିକ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଲିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଇଜ୍। ସେ କହୁଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ଟଲେଷ୍ଟ ପିକ୍ ମାଲିଆ ରେଞ୍ଜ କେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ପଚାରିଛି। ଟଲେଷ୍ଟ ପିକ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ମାଲିଆ ରେଞ୍ଜ କେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନାଲାମାଲା ହିଲ୍ସ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ନାଲାମାଲା ହିଲ୍ସ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି? ନାଲାମାଲା ହିଲ୍ସ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ନାଲାମାଲା ହିଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେ କହୁଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଅଟେ? ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ, ଭାରତ ରତ୍ନ ନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ପଦକ? ତ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ବା ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଭାରତ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ଓନ୍ ଦ ଏସିଆନ୍ ବିଲିୟର୍ଡ଼ସ୍ ଟାଇଟଲ୍। ସେ କହୁଛି 2023 ଏସିଆନ୍ ବିଲିୟର୍ଡ଼ସ୍ ଟାଇଟଲ୍ ୱିନର୍ କିଏ? ତ 2023 ଏସିଆନ୍ ବିଲିୟର୍ଡ଼ସ୍ ଟାଇଟଲ୍ ୱିନର୍ ହେଉଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଆଡ଼ଭାନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଓନ୍ ଓସ୍କାର ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଇନ୍ 2023। ତ 2023 ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ପାଇଁ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଫ୍ରାସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ଓନ୍ ଦ ଏବଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ 2023 ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏବଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ତ ଏବଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଇସ୍ କାଫାରେଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୁଗଲ ରୁଲର୍। ସେ କହୁଛି ଶେଷ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ବାହାଦୁର ଶାହ ଟୁ।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू एमंग द फॉलोइंग बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद सिटी को किए निर्माण करते तुगलकाबाद सिटी को निर्माण करते घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द ओनली मेजर पोर्ट इन ओडिशा। से कौन ओडिशार कौटा गोटे बड़ बंदर अटे। ओडिशार एकमात्र बड़ बंदर हूँ पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बुक बृहत संहिता वाज रिटन बाय। तो बृहत संहिता पुस्तक किए लिखिंट। बृहत संहिता पुस्तक लिखिंट बराह मिहिर। बराह मिहिर ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा इन टर्म ऑफ एरिया। से कौन क्षेत्रफल दृष्टिकोण बा एरिया वाइज ओडिशार सबुठार छोट जिला कौटा से पचार। तो एरिया वाइज ओडिशार सब छोट जिला हूँ जगत सिंहपुर आ सब बड़ जिला हूँ आमर एरिया वाइज बिगेस्ट हूँ बड़ जिला हूँ आमर किए ना मयूरभंज। मयूरभंज आ पपुलेसन वाइज बड़ जिला हूँ आम जिला गंजाम जिला हूँ पपुलेसन वाइज बड़ आउ सब छोट हूँ पपुलेसन वाइज सब छोट जिला हूँ देवगढ़ जिला। देवगढ़ जिला मन रखु एग्जाम इंपोर्टेंट रहा पपुलेसन वाइज बड़ जिला पचारे गंजाम जिला लिखे जनसंख्या हिसाब से बड़ हूँ गंजाम आउ जनसंख्या हिसाब से सब छोट राज्य मानने कौ जिलार सरी कौ जिलार सब कम जनसंख्या अच्छे से देवगढ़ जिला। पपुलेसन वाइज स्मलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हूँ देवगढ़ आउ जदि एरिया वाइज पचार मयूरभंज हूँ बड़ जिला आ छोट जिला हूँ जगत सिंहपुर। ए चारिटा पॉइंट मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। से कौन स्वाधीन भारत किए एकमात्र प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति थे जे बिना माने बिना प्रतिद्वंदी निर्वाचित होते बिना प्रतिद्वंदी निर्वाचित होते माने ताको विरोध में आउ किए राष्ट्रपति पदपाई लड़ी नथिले। तो करेक्ट आंसर होची नीलम संजीवा रेड्डी ऑप्शन नंबर सी होची सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ किंग खारवेल। तो राजा खारवेल राजधानी कौन थिला। राजा खारवेल कैपिटल थिला कलिंग नगर ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर कलिंग नगर। नेक्स्ट रही लोकेटेड इन लद्दाख डेस इज ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लियोपार्ड। से कौन लद्दाख में कौ नेशनल पार्क रही जहाँकि सारा विश्व में स्नो लियोपार्ड प्रसिद्ध। स्नो लियोपार्ड प्रसिद्ध। तो करेक्ट आंसर होची हेमिस नेशनल पार्क जहाँकि लद्दाख में अच्छी से विश्व सारा आम स्नो लियोपार्ड फेमस अटे। नेक्स्ट रही द नेशनल पार्क दैट वाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज। से कौन इंडिया रो प्रथम टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अटे। इंडिया रो प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण को नेशनल पार्क से पचार। तो करेक्ट आंसर होची जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आउ एग्जाम पचार सब ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौटा। तो से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हूँ सब ओल्डेस्ट नेशनल पार्क यहाँ उत्तराखंड अच्छी कौ स्टेट अच्छे पचार उत्तराखंड अच्छी। आ गिर नेशनल पार्क यहाँ आम एसियाटिक लायन फेमस। एसियाटिक लायन आमर जो एसियाई सिंह फेमस यहाँ गुजरात अच्छी। गुजरात अच्छी आ सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ वेस्ट बेंगल अच्छी आ कान्हा नेशनल पार्क यहाँ आम मध्यप्रदेश अच्छी। तो एग्जाम इंपोर्टेंट हम आम नेशनल पार्क भी पचारूँ इंपोर्टेंट रहा। तो आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करवा। लास्ट क्वेश्चन रही यहाँ भी आज लाटेस्ट करंट अफेयर्स। तो लास्ट क्वेश्चन रही इंडियाज फास्ट पोस्ट ऑफिस नियर एलओसी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू काश्मीर। से कौन इंडिया प्रथम पोस्ट ऑफिस जहाँकि एलओसी निकटने आम उद्घाटन करागला से जम्मू काश्मीर कौ जिले अच्छी। जम्मू काश्मीर कुपवाड़ा जिला। कुपवाड़ा जिला ते अच्छी। तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिले टोटल आप 50 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे। जदि भिडियो भल लगुच गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकर अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानक निहाती भावे शेयर करेंगे। आ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छे चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ और ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा आप समस्त भिडियो नोटिफिकेशन पाइपारे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।